हाई फ्रेंड्स वेलकम टू नाइन टेक वीडियो फ्रेंड्स मन की निना डाक्युमेंट वेरिफिकेशन गुरी चप्पन मन उमेश ब्रदर यह मन की मेडिकल वीडियो गुरी फुल डीटेल हिंदी बाय आज हम के मेडिकल वीडियो गुंटूर डिवीजन में खत्म हो चुका है। इसके बारे में सारी डिटेल्स हमारे ब्रदर उमेश ब्रदर जयपुर से आया, वो पूरा डिटेल्स सारे डिटेल्स आपके बताने वाले हैं। ओके ना, ठीक है ना, स्टार्ट कर चुका हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा मेडिकल तो क्लियर हो चुका है। मतलब हम देख लो 4:30 बजे हम फ्री हो चुके हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, डीवी में हमको बता ही दिया था, गुंटूर डिवीज़न हमको दिया गया है। गुंटूर डिवीज़न में हमको टाइम दिया गया था रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे, तो यहाँ पे मतलब मैं 7:30 आ गया था, उससे पहले मतलब आ चुके थे। मतलब 15 को दिया था गुंटूर डिवीज़न, लेकिन एक मैं आपको बता रहा था वो मोबाइल की वजह से एबसेंट हो गया था, तो उसको मतलब 14 का यहाँ पर मेडिकल हुआ है। तो हमको सुबह बोल दिया था खाली पेट, मतलब पानी वानी और मतलब ब्रेकफास्ट वर्क करके नहीं आना है, इधर खाली पेट बिल्कुल आना है। खाली पेट आते ही यहाँ पे आपका सबसे पहले यूरिन टेस्ट होगा। यूरिन सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होकर आपकी जो फाइल मतलब जो रजिस्ट्रेशन जो किया है ना, वो मतलब एक हेड है उनके पास जाएगा, फिर उधर से फिर मतलब आपको भेजा जाएगा मतलब यूरिन टेस्ट के लिए। फिर आप जैसे रूम में जाओगे तो आपको मतलब एक मतलब कागज़ किसी एक कुछ रहेगी मतलब वो टेस्ट करने की, तो उस पर मतलब आपको मतलब जो यूरिन मतलब उसमें करना पड़ता है यूरिन, तो फिर उससे मतलब वो हाथों हाथ रिजल्ट बता देते हैं। मतलब आपको लेके वापस जाना उनके पास और फिर वो बता देंगे कि मतलब हाँ ठीक है, चलो आप इसको फेंक दो। फिर आपके फॉरम पे जो भी मतलब आपकी जाँच रहेगी यूरिन वाली, उस पर लिख देंगे कि मतलब नील लिख देंगे उस पर, नील लिख के फिर जैसे ही हमको मतलब बैठा दिया गया मतलब उस साइड में डॉक्टर का जो मेडिकल एग्जामिनेशन रूम था उसके बाहर हमको सबको सीरियल वाइज बैठा दिया गया। मतलब जो हमारा 65 से स्टार्ट था, वो 61 से 75 तक स्टार्ट था, मतलब जो सबको सीरियल वाइज बैठा दिया गया। सीरियल वाइज बैठाने के बाद फिर हमको पहले तो हमने मतलब 69 से हमारा स्टार्ट किया गया। 69 से स्टार्ट करके हमको देखो सबको 5-6 को एक साथ बुलाया गया, हमको मेडिकल एग्जामिनेशन रूम में हमको मतलब खड़ा कर दिया गया और एक एक करके हमको बोले कि आप मतलब आपको अपने कपड़े उतारने मतलब आपको अंडरवियर में होना है, मतलब आपको टी शर्ट और पजामा मतलब खोल देना है जो भी आप पहन के जा रहे हो, फिर अंडरवियर में आपको हो जाना है। फिर वो जैसे ही आपको एक एक करके बुलाएंगे, आपके सबसे पहले तो जो आपने एडमिट कार्ड पर बॉडी मार्क्स डाले थे वो बॉडी मार्क्स आपके चेक करेंगे कि आपने जो बॉडी मार्क्स डाले वो कौन सा है आपके, मतलब 2 बॉडी मार्क्स डाले थे वो आपके देखेंगे कि हाँ ये बॉडी मार्क्स है। फिर उसके बाद मतलब आपको बैठाएंगे नीचे बैठाएंगे, फिर खड़ा करेंगे, आपके हाथ घुमा के देखेंगे, यूँ घुमा के देखेंगे, आपको नीचे बैठाएंगे और वापस खड़ा करेंगे और चल के दिखाएंगे, आपको वॉक करके दिखाना पड़ेगा और फिर आपको बोलेंगे आप कपड़े पहन लीजिए कोई दिक्कत। फिर जैसे हम मतलब यहाँ एक फैसिलिटी नहीं थी एक्सरे की, बाकी मतलब सब कुछ था यहाँ पे, तो एक्सरे के लिए फिर हमको यहाँ पे कोई हॉस्पिटल बताया गया, तो हम बाहर से मतलब हम कराए, 400 रुपीज़ हमारे एक्सरे के लगे थे। चेस्ट का एक्सरे मतलब हमको करवाना था, चेस्ट का एक्सरे करवा के फिर हम रिपोर्ट लेके आए। कोई ट्रैवल चार्जेस होगा? ट्रैवल चार्जेस नहीं, मतलब यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था मतलब जो हॉस्पिटल, वहाँ से हमने करवाया। आप पैदल भी जा सकते हो या बाई ऑटो जा सकते हो, 20 रुपीज़ पर पर्सन के लगेंगे मतलब वहाँ पर, तो सब ने एक साथ जगह वहीं पर करवाया था, मतलब 400 रुपीज़ वहाँ पर एक्सरे के लगे थे। फिर हम वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर, हाफ एन आवर के अंदर आपको फ्री कर देंगे और आपको एक्सरे लेके आना है। फिर आपको वही सीरियल वाइज से आपको एक एक करके मतलब आपको जो मेडिकल एग्जामिनेशन रूम है उसमें आपको बुलाया जाएगा, आपका एक्सरे देख लेंगे, एक्सरे देखेंगे उसमें रिपोर्ट भी रहती है, नॉर्मल है मतलब सब कुछ, चलो ठीक है। फिर उसके बाद आपको सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और के साथ क्या हुआ वो मुझे पता नहीं। देखो सबको वन बाय वन बुलाते हैं, अंदर रूम बंद कर लेते हैं, एक अटेंडेंट रहता है उनके साथ और एक डॉक्टर है, डॉक्टर यहाँ के बहुत अच्छे थे वैसे तो। और फिर हमको मतलब सबसे पहले तो मेरे को कलर ब्लाइंड वाली किताब मेरे को पढ़ाई गई, कलर ब्लाइंड वाली किताब मेरे को पूरी पढ़ाई गई। कलर ब्लाइंड पढ़ाने के बाद मेरे को मतलब सिग्नल दिखाए गए,
सिग्नल रहते कमरे में, आपके अंधेरा कर देंगे, अंधेरा करने के बाद आपको सिग्नल दिखाएंगे, सिग्नल दिखाने के आपके बाद आपको पूछेंगे कौन कितना सिग्नल होता है, तीन सिग्नल दिखाएंगे वो आपको, तीन और चार, मतलब तीन चार दिखाएंगे, मतलब उसमें मतलब ग्रीन रेड और येल्लो लाइट रहेगी, तो आपको मतलब पहचानना है, वो इजीली मतलब पहचान जाते हैं, मतलब जिनके कलर ब्लाइंड नहीं है वो तो पहचान जाएगा मतलब आराम से कि रेड है येल्लो है ग्रीन है जो भी, मतलब आपको वहाँ पर अंधेरा कर देंगे फिर बता देंगे आप। फिर आपको एक छोटी सी लाइट, मतलब एक ग्लास लगा हुआ है वहाँ पे रूम में, ग्लास में आपको छोटी सी लाइट जलाएंगे बिल्कुल आपके मतलब आपको ग्लास पहना देंगे, एक चश्मा पहना देंगे आपको, एक मतलब ब्लू ग्रीन और रेड कलर का सा वो चश्मा रहता है, मतलब वो आपको अंधेरा रहता है वो, फिर वो आपको मतलब पहना देंगे, फिर वो लाइट जलाएंगे, उसमें एक मशीन रहती है उनके पास जो सीधा मतलब ग्लास में टॉर्च मारती है, तो उसमें थोड़ा देखो कन्फ्यूज हो जाते हैं सब, उसमें ये है कि मतलब मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था, मतलब मेरे को पहले येल्लो लाइट जलाए वो मेरे को थोड़ा रेड दिखा, रेड दिखने के बाद फिर मतलब डॉक्टर ने फिर मतलब रेड जलाई, फिर मेरे को रेड प्रॉपर दिख गई कि हाँ मैंने बोला रेड है, तो फिर उन्होंने बोला पहले वाली क्या थी, फिर मैंने बोला येल्लो थी, अच्छा फिर उन्होंने मेरे को ऐसे दो तीन बार जला के फिर बोला चलो ठीक है। फिर 20 फीट दूर पर मेरे को बैठाया गया, जो पहली बात तो आप ये सोच रहे हो कि मतलब जो आपका विजन टेस्ट आप डॉक्टर के पास देते हो या आप चश्मे वाले के पास देते हो, जो आपको मतलब वो कंप्यूटराइज ग्लास रहता है वो स्क्रीन उसके ऊपर हो जाती है, मतलब 6x9 6x5 6x6 जो भी है, मतलब वो आपको मतलब ऐसे दिखाया जाएगा ग्लास से, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उनके पास वो पुराने तरह के मतलब पुराने तरह के उनके पास आइटम है, मतलब देखने का उनका विजन, तो बिल्कुल फिट भी मतलब आपको 20 फीट दूरी पर दिखाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको 10 फीट दूरी पर दिखाया जाएगा ग्लास में, कि ग्लास की 10 फीट दूरी नाप लेते और 10 फीट वैसे तो 20 फीट वैसे हो जाती, लेकिन इसमें प्रॉपर आपको 20 फीट दूर बैठाया जाएगा, आपको चश्मा लगाया जाएगा, चश्मा लगा के एक मतलब एक आँख बंद करने का होता है तो मतलब वो लगाया जाता है, फिर डॉक्टर साहब मतलब वो सी रहता है, देखो सी मतलब आप जैसे स्क्रीन वाली में देखोगे तो सी फिक्स रहते हैं उसमें, उसमें क्या होता है कि कई याद कर लेते हैं उसको, स्क्रीन नहीं है ना, स्क्रीन नहीं और चार्ट नहीं, हाँ स्क्रीन में उसको सी को याद कर सकते हैं अपन है, वो फिक्स रहता है एकदम, तो उसको याद कर लेते हैं, आप ऐसे सोचते हो कि उसको याद करके चल जाएंगे, चलो अपना काम हो जाएगा, अपना विजन भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन उसको याद कर लिए चलो अपना काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे सी रहता है, वो सी घूमता रहता है, मतलब वो उनको मतलब उनके ऊपर है, वो किसी भी साइड घुमा सकते हैं उस सी को, आप ऐसे मत सोचना कि मतलब हर सबके लिए एक एक सी है, मतलब सबसे पहले आपको मतलब 60 पढ़ाएगा, 36 पढ़ाएगा, 24, फिर 18, फिर 12, फिर 9, फिर 6 तक आपको पढ़ाएगा, 6x6 तक आपको वो पढ़ाएगा बिल्कुल, है ना, तो वो सी बार बार में आपका घुमाया जाएगा, मतलब वो एक एक आँख को चेक करेगा और बार बार आपको उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा उस सी की, फिर आपको पूछेगा कि मतलब किस साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, डाउन है, अप है, और मतलब ऐसे आपको वो पूछेगा दोनों आँख की, वो आपके ऐसे चेक करेगा, मतलब विजन में तो आप ये सोच रहे हो कि विजन में मतलब कोई छूट नहीं है, विजन में विजन के लिए विजन परफेक्ट होना ज़रूरी है, आप और चीज़ में आपको चलो कोई नहीं चल जाएगा। फिर विजन चेक होने के बाद फिर सबसे बड़ी चीज़ आती है देखो, जिसका सबसे ज़्यादा डाउट रहता है, हाइड्रोसिल मतलब कैसे चेक होता है, देखो वैसे तो नॉर्मली मतलब मैं तो कोई नहीं कैमरे पे बोलते हैं, डॉक्टर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर के लिए तो डॉक्टर के सामने हो सकते हैं हम जो भी है, मतलब फिर डॉक्टर ने वो मेडिकल करना है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, हमको देखो पहली बात हमको कपड़े हमको मतलब जो हमारा लोअर और जो अंडरवियर है वो हमको उतारने के लिए ऐसे बोल दिया गया, फिर वो हमको मतलब साइड में मुँह करके और फिर हमको दो तीन बार खांसने के लिए बोला ज़ोर से, और फिर ऐसे बोला चलो कोई दिक्कत नहीं आप कपड़े पहन सकते हो आप ठीक हो, है ना, फिर अंडरवियर भी निकाला हाँ कमरा बंद करके बिल्कुल, जो फिर वो देखता है डॉक्टर अच्छे से, फिर हमारे शायद ECG नहीं थी तो ECG के लिए फिर हमारे मतलब हार्ट बीट मतलब वो जो स्टेथोस्कोप से उससे चेक किया गया, मतलब है ना पीछे आगे से पीछे से आपको बार बार ऐसे सांस लेने के लिए बोलेगा बार बार, हाँ आपका सब कुछ चेक किया गया, फिर आपने मतलब ठीक है चलो आपका नॉर्मल है चलो आप बैठिए, एक सिग्नल मैंने गलत बता दिया था उसके लिए फिर मतलब मेरे को बाहर बैठा दिया गया, अब फिर मेरे को हमको बोला कि शुगर टेस्ट नहीं करवाया, मतलब यूरिन टेस्ट हुआ था उसके बाद ऐसा कोई टेस्ट हुआ नहीं, मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह इधर गुंटूर में तो हुआ नहीं, और फिर हमको मतलब बाहर बैठा दिया, अब हमको थोड़ा टेंशन हो रहा था उस टाइम पे, मतलब वो हमको बोल दिया था कि हमको ऐसे बोला बाकी तो सब ठीक है, सिग्नल में आपको थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि सिग्नल में वो फर्स्ट बार में पहचान नहीं पाया ना उस लाइट को, तो फिर हमको बोला ठीक है चलो,
और कलर ब्लाइंड में मतलब वो आपको पूरी बुक पढ़वाएंगे, बिल्कुल आपको नंबर पढ़वाएंगे, नंबर पढ़वाएंगे और दो तीन उसमें ब्लैंक पेज रहते हैं, ओके ओके, उसमें कुछ नहीं लिखा होता है ना, हाँ, फिर फुल कलर रहता है, फिर उसको पूछेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है, है ना, तो इसमें क्या लिखा हुआ है या इसमें कौन सी डिजाइन बनी हुई है, कौन सी आकृति है इसमें, तो आपको मतलब अगर नहीं दिख रहा तो आप नहीं बोलिए उसमें, है ना, तो तीन चार पेज उसमें ब्लैंक थे, तो मैंने तो बोला ठीक है मेरे कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, और फिर उसके बाद मतलब वो जो उसमें आकृति बनी हुई थी तो हमको एक मैप टाइप, हाँ मतलब लाइन लाइन, हाँ रूट 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 बोल सकते हैं बिल्कुल, तो फिर ब्रश हमको दिया गया, छोटा सा ब्रश था, उन्होंने बोला मतलब वो लाइन में मतलब निशान लगा हुआ था वो जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से ख़त्म, हाँ कहाँ तक स्तंभ, तो वो हमको बोला कि आप ब्रश से घुमा के दिखाइए, बिल्कुल कम से कम पाँच पेज, पाँच से छः पेज उसके वो ब्रश से घुमाने थे हमको, बिल्कुल कि आप यहाँ मतलब स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करके दूसरे रूट पर आप इसको ख़त्म कर दीजिए, ऐसा है, फिर हमको मतलब ऐसे करके कलर ब्लाइंड वगैरह चेक हो गया, फिर हमको बोला कि आप चलो कोई नहीं आप खाना वाना खा के आइए, मतलब टाइम था डेढ़ बज गए थे यहाँ पे, डेढ़ बजे 1:30 PM 1:30 to 2:15 तक, हाँ हाँ भेज दिया, फिर कोई नहीं, फिर मतलब डॉक्टर साहब भी शायद लंच पे गए होंगे, फिर वो आने के बाद फिर थोड़ा लेट हो गए थे वो, मतलब इतना कोई दिक्कत नहीं था, 15-20 मिनट शायद वो लेट हो गए होंगे, फिर लेट होने के बाद फिर उन्होंने वापस से एक एक करके मतलब बुलाना शुरू किया, मतलब वापस से जो उनको मतलब वो आपको कुछ बताएंगे नहीं, सबसे बड़ी टेंशन तो आपको ये हो जाएगी कि मतलब आपको कुछ बताएंगे नहीं, yes. वो आपको बोलेंगे बाहर जाके बैठ जाओ, yes. आपके मन में कन्फ्यूजन कि यार मैं फिट हूँ अनफिट हूँ, हाँ नहीं हूँ, अब वो आपके डाउट चलेगा ये चीज़ का, तो मतलब ऐसे मैं भी डर गया था, देखो सच बताऊँ कि मतलब ऐसे क्या यार, मतलब उनको बोल दिया मतलब बाहर जाके बैठ जाओ, अब मैं देखा क्या होने वाला है, मतलब कुछ पता नहीं, मतलब डर लग रहा था, सबको डर लग रहा था, मेरे को नहीं, सबको डर लग रहा था, क्योंकि सारे डर लग रहा है, सारे टेंशन है, कोई भी बात करने की कोई टेंशन पर है, किसी को भी मतलब ये नहीं बोला गया कि मतलब कि आप मतलब पास हो तो आप बाहर बैठ जाओ या आपका सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, आपको बोला बाहर बैठ जाओ, चलो ठीक है, फिर लंच से डॉक्टर साहब आए, फिर जो उन्होंने मतलब फाइल अलग कर ली थी जो उनके हिसाब से फिट है उनको सबको अलग कर लिया, सीरियल वाइज उनको बुलाया, उनको बुला के उनके कान चेक किए, कान में मतलब टॉर्च डाल के देखे थे, मतलब उनको मतलब ऐसा नहीं है कुछ हियरिंग टेस्ट हुआ वगैरह कुछ, कान में टॉर्च डाले और उनको बोला चलो आप साइड में जाके आप बैठ जाइए, ऐसे करके उन्होंने 8-10 मतलब 10 लोगों को बुला लिया, चार या पांच हमरे गए थे, मतलब फिर मेरे को डर लगा यार ऐसा क्या हो गया, मतलब मेरे को नहीं बुलाया, मतलब फिर मेरे को वापस से बुलाया गया, फिर मेरे को फिर मतलब डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है चलो आपका एक बार और चेक कर लेते, मतलब देख लो इसके बाद फिर मतलब होता हो, फिर मतलब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके बाद, आप देख लेते आपको, फिर मेरे को कलर ब्लाइंड वाली बुक वापस से शुरू से लेकर एंड तक वापस मेरे को पढ़वाई गई पूरी, फिर मैंने उसको परफेक्ट पढ़ दी, फिर मेरे कान चेक हुए, कान चेक होने के बाद मेरे को बोला चलो ठीक है आप साइड में जाके बैठ जाइए, साइड में जाके बैठने के बाद मतलब सबके साथ ऐसा हुआ, सब पास होते गए लगभग इधर सब पास हो चुके हैं, मतलब 14 कैंडिडेट थे, 14 के 14 आप पास हो चुके हैं, मतलब उनको आपको निकालना नहीं है, सीधी बात ये है उनको लेना है आपको, उनकी प्रायोरिटी ये रहेगी कि आपको निकालना नहीं है, आपको लेने की ही कोशिश करेंगे, आपको कोई दिक्कत भी है आप बिल्कुल टेंशन में तो वापस से टेस्ट दीजिए उस चीज़ का, लेकिन आप ये सोचते हो कि मतलब आपका विजन कमज़ोर है या कलर ब्लाइंड है आप, तो बिल्कुल इसमें मतलब आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, और कोई प्रॉब्लम है तो वो चला लेंगे थोड़ा बहुत ऐसे, फिर हमको जाके बोल दिया गया साइड में बैठो, फिर हमारी फाइल्स मतलब जो हेड थे उनके पास गई, फिर उन्होंने एक एक करके सीरियल वाइज बुलाया, उन्होंने बोला चलो ठीक है आप फिट हो आप घर जा सकते हो, ऐसा मतलब मेडिकल हुआ, हाँ कोई हमको कोई मतलब हाँ सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं दिया, हमको बोला आप घर जा सकते हो, बोला है हाँ जो पास है वो कैंडिडेट उसको बोला कि आप घर जा सकते हो, फिर मैंने उनको पूछ भी लिया, मेरे को डाउट था थोड़ा कि सर आई एम फिट मेडिकली फिट प्रॉपर, हाँ बिल्कुल मेडिकली आप फिट आप घर जा सकते हो, ऐसा उन्होंने बोला ऐसा, हाँ मतलब गुंटूर डिवीज़न में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, एक तो काम यहाँ पर बहुत जल्दी हुआ, इतना हमको परेशानी नहीं हुआ, एक ही दिन में हाँ एक ही दिन में सब कुछ काम हो गया यहाँ पे, और डॉक्टर साहब सबसे बढ़िया, तो यहाँ के जो कर्मचारी थे यहाँ के बहुत अच्छे कर्मचारी, और डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे, बिल्कुल अच्छे से मतलब गाइड किया हमको, जो भी बात थी अच्छे से बताया, जो भी बात हिंदी में भी बताया, तेलुगु में आपको तेलुगु में पूछना है तो तेलुगु में बताएंगे, हिंदी में पूछना है हिंदी में बताएंगे, ऐसे भाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बोला अच्छे से शेयर करें हाँ अच्छा, नानी टेक वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और आपको कोई डाउट हो फिर भी मतलब मैं इनको वीडियो बना के मैं इनको भेज दूंगा, आपको कोई डाउट है आप बता दीजिए, है ना, ओके थैंक यू, ठीक है, ओके ओके थैंक यू हिमेश ब्रदर, ओके थैंक यू।
ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे हिंदी लैंग्वेज पर मैंने पूरा वीडियो का भर चुका है। सिकंदराबाद जोन पर गुंटूर डिवीजन में ये पूरा मैंने मेरा आंख से यह पूरा दिन देख किया। शुगर टेस्ट नहीं दिया है गुंटूर डिवीजन में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके नीचे थैंक यू की बिल है, थैंक यू में थोड़ा मनी आपको सेंड कर सकते हो मेरे एफर्ट्स के लिए। मेरा समय एक दिन यहाँ रखने की आप सारे डिटेल्स आपकी पहुंच गई, ओके ना, आपकी मदद देंगे आप। आज हमारा मेडिकल था यहाँ पर गुंटूर में, जो दक्षिण मध्य रेलवे की डिवीज़न है, तो मेडिकल से सुबह से शुरुआत हुई थी और अब जाके हम फ्री हो गए और फाइनली उन्होंने कह दिया कि आप घर जा सकते हो, आप फिट हो गए। तो मैं यही कहना चाहूँगा मेडिकल में किसी प्रकार की घबराहट न रखे और आराम से आइए और सुबह खाली पेट आइए, जिससे कि आपको परेशानी नहीं हो। और जितना भी वो टाइम लगे वो लगेगा, लेकिन आप फिट होके बिल्कुल घर जाइए। आपकी कोई टेस्ट पर दिक्कत है ना? नहीं, मेरे किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, न मेरा आई विजन में, न कोई बीपी वगैरह, सब एकदम नॉर्मल था और बिल्कुल परफेक्ट था। आपकी शुगर टेस्ट किया? शुगर टेस्ट किया था उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। और कोई बोन्स टेस्ट वगैरह? नहीं, किसी भी प्रकार की बिल्कुल एकदम उन्होंने कहा फिट एकदम, और सारी रिपोर्टों में एकदम नॉर्मल था सब कुछ। आपके एक दिन में लगा, दो दिन? नहीं, हमारा सुबह से जैसे 8 बजे बाद एंट्री हुई तो 4 बजे तक लगभग हम फ्री हो गए। ओके। एनी नो फ्लैट फुट हाइड्रोसिल के बारे में? हाँ, वैसे चेक किया था उन्होंने हाइड्रोसिल वगैरह, लेकिन सबका नॉर्मल था और फ्लैट फुट वगैरह किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, लगभग सब फिट हैं। 15 में से लगभग 13 एकदम क्लियर है, कोई 2 के सस्पेंस है, उनका कोई थोड़ी बहुत दिक्कत है, उनकी भी हो जाएगा कल तक। ओके ओके, ठीक है। फ्लैट कोई एक्सरसाइज उठ कर? हाँ, उन्होंने एक बार हमको जैसे कि एक बार 2-3 एक्सरसाइज करवाई थी, बैठने के लिए बोला था जैसे कि, और फिर उन्होंने चलने के लिए बोला था, जिससे कोई फ्लैट फूट या फिर किसी प्रकार कोई ऑपरेशन हुआ हो, कैसी वैसी जटिल समस्या से गुजर रहा हो तो उसे पता चल जाए उनको। लाइट होंगे ना, येलो ग्रीन? हाँ हाँ, लाइट में, इसके बारे में लाइट वन मिनट बात करिए। हाँ, तो लाइट जैसे उन्होंने पहले सिग्नल लाइन दिखाई, जो बड़ी लाइट होती है उनमें उन्हें एक तो लाल और एक हरा और एक, बस ये 2 लाइट ज़्यादा, तो मैं उन्होंने पूछा था कि कितनी लाइट दिख रही है, फिर ऊपर कौन सी लाइट है, ऐसा कुछ बोला था और कुछ। फिर उसके बाद हमें ले गए तो एक छोटी, मतलब कि छोटी लाइट दिखाई थी, बहुत ही बारीक थी, उनमें येलो और लाल वगैरह और ये दूसरा हरा, तो उसमें भी कोई थोड़ी बहुत समस्या नॉर्मल सी जिसको हम कह सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को तो स्पष्ट दिख रहा था, थोड़ा बहुत सस्पेंस था, लेकिन इतना नहीं था। ओके ओके, थैंक यू, बाय। थैंक, जो भी कैंडिडेट आए बस वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करके घर जाए। थैंक यू, बाय। हाँ जी, हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कुमार वर्मा हूँ और आज सुबह 8 बजे से हमारी एंट्री हुई थी यहाँ पे, तो वहाँ आने के बाद में यानी मेडिकल हुआ था और हम 4 बजे तक लगभग सब फ्री हो गए अभी। और नियर नियर, हाँ पूछ लो आप। लाइट के बारे में बताइए, ग्रीन और रेड, हाँ इसकी सारे को इस पर डाउट है, फिर हाइड्रोसिल के बारे में बताइए। हाइड्रोसिल के बारे में तो यही है कि वो अगर आप आई विजन करवाने जाते हो तो साथ के साथ हाइड्रोसिल भी चेक करते हैं और वो पूरे कपड़े उतरवाते हैं, उसके बाद में आपको बोलेंगे कि आप एक बार खांसना, आपको बिल्कुल तरीके से एक बार जोर लगा के खांसना, उसके बाद में वो चेक करता है और कोई ज़्यादा देर तक आपके कपड़े नहीं उतरवाता, केवल 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए कपड़े उतरवाता है। 5 सेकंड से 10 सेकंड? हाँ, बस उसके बाद में वो बोल देगा कि वापस पहन लो कपड़े में, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस की किसी तरफ का आपके चेक किया? नहीं, कलर ब्लाइंडनेस के लिए तो वही है, एक बुक देगा उसमें से पढ़वाएगा आपको जल्दी जल्दी, वो आपको जो नॉर्मल आप करवाए होंगे कहीं हॉस्पिटल में वही आपके लिए बुक रहेगी, उसमें आपको नंबर दिए रहेंगे, उसमें से आपको पढ़ के बताना है जल्दी जल्दी वो, बस और कुछ नहीं है उसमें कलर ब्लाइंडनेस में, और कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सपोर्ट कर रहे हैं सभी स्टाफ वाले। कोई लाइट बीम की लाइट जलाते हैं, कोई रंग जा? हाँ, 2 प्रकार का इसमें टेस्ट होगा, उसमें एक तो सिग्नल वाली लाइट होती है, उसमें आपको दिखाएगा चार बत्ती जलेगी उसके अंदर, तो 4 बत्ती में ऐसे मान लो कभी 3, वो जो भी वहाँ पे स्टाफ बैठा है वो कभी 3 ग्रीन कर देगा, कभी 2 कर देगा, कभी 1 कर देगा, एक को बंद कर देगा, डिफरेंट करवाएगा, वो फिर आपको पूछेगा कि कितने प्रकार की है, कि यानी कितनी लाइट जल रही है, 4 में से कितनी जल रही है, 2 जल रही है, 3 जल रही है, कौन कौन सी जल रही है और कहाँ जल रही है, वो आपको पूछेगा इसमें। कभी किसी को कलर ब्लाइंडनेस होते उसका नहीं पहुंचा? हाँ, वो बस वो जिसकी 6x6 रहेगी, 6x9 रहेगी, उसके तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, और कलर ब्लाइंडनेस वाले को दिक्कत आएगी, वो तो नॉर्मली बता देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको, तो यानी 6x6 रहेगी वो तो नॉर्मली बता देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ वो बिल्कुल एक दूसरा टेस्ट होता है, उसमें बिल्कुल
बारीक वाली दिखाता है, तीन सिग्नल दिखाएगा आपको, एक तो रेड, एक ग्रीन, एक येलो दिखाएगा। उसमें अगर आपके वो बिल्कुल बारीक रेड, मेरे दिक्कत आई थी थोड़ी बहुत हल्की सी, शुरू में प्रॉब्लम आई थी रेड और येलो को पहचानने में दिक्कत आ गई थी हल्की सी। फिर पहले तो इसने क्या येलो जलाई थी और उसके बाद में ग्रीन वो रेड जलाई थी, तो पहले मैंने रेड बोल दिया था, फिर उसके बाद में उसने रेड जलाई तो मैंने वापस चेंज कर दिया कि मैंने ये रेड, ये तो है रेड और वो थी पहले येलो, फिर उसका हाँ कन्फ्यूजन येलो की रेड की बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है। हाँ उसके अंदर थोड़ा बहुत यानी बिल्कुल बारीक यानी ऐसे मान लो सुई की नोक के बराबर दिखाएगा आपको, तो उसमें क्या कन्फ्यूजन हो जाता है। और बाद में फिर वो क्या करेगा कि चलो एक बार तो कन्फ्यूजन हो गया आपके पास, फिर आपको बार बार उसमें रेड और येलो को चेंज कर करके दिखाएगा, क्योंकि उसको कन्फ्यूज वो भी यानी डाउट क्लियर करने के लिए कि इसके प्रॉब्लम तो नहीं है, तो कन्फ्यूज वो डाउट क्लियर करने के लिए वो दो तीन बार वो वापस रेड और येलो जला जला के दिखाएगा कि हाँ ये रेड है या येलो, ये रेड एक बार पकड़ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके, वो तो वो शुरू में थोड़ी बहुत आएगी दिक्कत, लेकिन ऐसे कोई नॉर्मल ये तो नॉर्मल इश्यू है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। और सबका लगभग लगभग हमारे बैच में 15 थे, एक एबसेंट था और बाकी एक दो का हुआ है कोई रीमेडिकल के लिए, और वो कल हो जाएगा वापस उनका रीमेडिकल, और कोई दिक्कत नहीं आएगी, नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल ले रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, स्टाफ वाले भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे स्टाफ कहाँ दिक्कत है सारी टेस्ट में, ये पूरा टेस्ट में कहाँ दिक्कत होता है आपके? नहीं मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हाँ हमारे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो जो पूछा था वो 6x6 और वो जैसे बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि ABCD वाले अक्षर पढ़वाएंगे या सी वाला पढ़वाएंगे, तो वहाँ यहाँ तो है ना सी वाला दिखा रहे थे, केवल सी टाइप किया, हाँ सी टाइप किया था, हाँ सी टाइप किया था, 6x15 से पढ़ने के लिए बोला था, इसे ऊपर मान लो ऊपर की तरफ जाना आपको 6x15 से 6x12, 6x12 से 6x9, 6x9 से 6x6 तक, वहाँ तक पूछ रहा था वो। और वो एक तो गोला वाला दे रहा था, गोले यानी गोला दे रहा था और उसके एक नोक बाहर की तरफ निकली हुई थी, वो नोक को पूछ रहा था आपको कि ये किस तरफ मुँह रखा है उसमें, और कोई दिक्कत नहीं। और जो एक सी वाला था इसका मुँह किस तरफ खुला हुआ है वो तो नॉर्मल होता देगा, अगर 6x6 रहेगी तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। और तो मैं वो फुट का भी पूछ रहा था, एक पाइल्स का पूछ रहा था इसमें, तो एक वो पाइल्स का पूछ रहा था इसमें, पाइल्स के लिए यानी शुरू के अंदर हमको क्या एक साजनों का बेस था, यानी साजनों को बुलाया था तो सबके कपड़े उतरवाए थे, ठीक है, एक अंडरवियर को छोड़कर वो सब कपड़े उतरवाए थे, और उसमें चेक करवा रहा था कि एक सीधा बैठना, ऐसे उठने बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, तो यानी वो नॉर्मल यानी पाइल्स के लिए चेक कर रहा था और कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। और तो माइनर सब जो होती है जैसे BP है और बस आपको नॉर्मल रह रहा है। कितने टेस्ट करे यहाँ शुरू में? तो देखो शुरू होती है हमारी वही क्या नाम है यूरिन टेस्ट से होती है। हाँ यूरिन टेस्ट में आपको एक जैसे लाइकेन रहता है ना जैसे वो चेक करने का, उसमें आपको देगा और हाँ तो वो आपको देगा और आपको यूरिन यानी टेस्ट करने के लिए बोलेगा, आप जाके उस पर यूरिन डाल के उसको वापस जमा करवाना है, अगर उसका कलर चेंज हो जाता है तो यानी दिक्कत है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो हैंड टू हैंड आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी उसमें आपके। केवल आई टेस्ट में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, किसी को 6x9 नहीं हो तो उसकी डिफिकल्टी है। हाँ किसका 6x6 रहेगी तो वो कहीं फेल नहीं होगा, ये में ये यहाँ का यानी मान लो एक तरह का 6x6 है ना, तो अगर उसका 6x6 है और कलर ब्लाइंडनेस नहीं है ना तो वो कहीं फेल नहीं होगा। अगर मान 6x9 पार्शियल है तो उसका क्या वो कर सकते हो? नहीं पास और फेल नहीं, पार्शियल जैसे थोड़ा बहुत तो चलेगा, क्योंकि इनको स्टाफ वाले को भी पता है कि 2019 की वैकेंसी है, तो ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी एक बंदा था तो उसके थोड़ा बहुत था, तो ऐसे कोई दिक्कत लेने की वो आपको ऐसे मान लो कोई टेंशन लेने की दिक्कत वो नहीं प्रो आपको। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। ओके फ्रेंड्स, सारे डिटेल्स आपके पहुंच गया, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपके नीचे थैंक यू की बिल है, थैंक यू में थोड़ा मनी आपको सेंड कर सकते हो मेरे एफर्ट्स के लिए, मेरा समय एक दिन यहाँ रखने की, आप सारे डिटेल्स आपकी पहुँच गई, ओके ना, आपकी मदद देंगे, आप मदद देंगे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ओके ना, थैंक भी किन नीचे वाले हमके थैंक्स भी होंगे, थैंक्स भी करें, ठीक है ना फ्रेंड्स, बाय।